मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मुर्शिदा ब्लॉग। मैं हूँ आपके अपनी मुर्शिदा। होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को, बिकॉज मैं तो खुद कर रही हूँ। एंड अब लोग हम जा रहे हैं कसौल से मनाली की तरफ। हम बहुत लेट हो गए हैं, अप्रॉक्स 11 बज चुके हैं। अभी जस्ट हम होटल से पैकिंग वगैरह अपना करके डन, तब निकल रहे हैं। सो लेट्स सी क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं मनाली में हम लोग, बिकॉज हमको मनाली कवर करके उसके बाद हमें चंडीगढ़ निकलना है। सो स्टे ट्यून्ड, ब्लॉग पर एंड तक बने रहना, देखते हैं क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। एंड अगर वहाँ पर कुछ अभी एक्टिविटी रही तो बच्चों को वो भी करवा देंगे एंड हम भी फन कर लेंगे, इसलिए मैंने ये वाला लुक किया है, कैजुअल लुक। सो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। ब्रेकफास्ट रिवर साइड, इससे प्यारा व्यू हो ही नहीं सकता ब्रेकफास्ट के लिए। ओह माय गॉड, यहाँ पे नीचे ना वो अनार भी लगे हैं पेड़ में। बहुत प्यारा व्यू है एंड देखना बादल तो ऐसे माउंटेन को पूरा टच कर रहे हैं। ये है नेचर ऑफ, नहीं, ब्यूटी ऑफ नेचर, सॉरी। मिक्स परांठों के साथ ब्रेकफास्ट होता हुआ। ट्रैवलिंग में वॉमिट का बहुत इशू है मिराज को भी और मेरे को भी, तो अभी हम वही भाभी लेने गए हैं। तो हम वो मेडिसिन लेके इजीली हम थोड़ा सा ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी आते टाइम पर भी, एंड मिराज की तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। सो ट्राई कर रहे थे हॉट एयर बैलून वाला राइड, बट वहाँ पे बच्चों के लिए मना है। 4 साल का जो मतलब बच्चा है या 5 साल से बिलो, उनको अलाउड नहीं कर रहे थे। एंड उसका जो कॉस्ट था अप्रॉक्स पर पर्सन 1500 है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट स्टिल अच्छा मीरू, बट स्टिल क्योंकि बच्चे को नहीं लेके जा रहे थे इसलिए हमने कैंसिल किया। अब हम कुछ और डिसाइड करेंगे कि हम लोगों ने और क्या करना है। जो भी एक्टिविटी हमसे कवर होगी आज के दिन में तो वो कवर करेंगे। अच्छा चुप मीरू, मीरू आपको उसमें जाना था, वो आपको अच्छा लग रहा था जाना था, पर आपको नहीं ले जाया गया। और वो 7 मिनट के लिए थोड़ा ऊपर ही रखना था उन लोगों ने, सो वो वर्थ नहीं था, तो इसलिए हमने कैंसिल किया। हम हैं व्यास नदी के पास, इसका फ्लो देखो काफ़ी है। एंड यहाँ पे पिक वगैरह क्लिक करने से मना कर दिया, उन्होंने बोला कि वेदर ठीक नहीं है एंड थोड़ा रिस्की है बिकॉज पानी यहाँ तक आ जाता है ऊपर, सो वाटर का लेवल इतना होता है तो थोड़ा डेंजरस हो सकता है। तो हम पहले वहाँ पे पिक क्लिक करवा रहे थे तो इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। एंड यहाँ पे थोड़ा सा ना ये बच्चों के लिए खेलने के लिए भी है एक्टिविटीज़ यहाँ पे। सो जिनके बच्चे नहीं मानते उन पेरेंट्स की, वो गलती से भी यहाँ मत लेके आओ, क्योंकि बच्चे यहाँ पे झूले की जिद बहुत करेंगे। सो हम लोग बस यहाँ से निकल रहे हैं बिकॉज हमारा वाला भी परेशान करने लग गया। ये है बैक कैमरे से व्यू, यहाँ का ना एकदम वाटर लेवल चेंज हो सकता है। ये देखो ये पुलिस वाले अंकल भी हैं, इन्होंने हमें वार्न किया कि बेटा प्लीज़ रिस्की हो सकता है, आप यहाँ से आ जाइए। एंड वो जो है ना वो एयर बलून, सॉरी हॉट एयर बलून वाला राइड है, तो इसी के लिए वो ज़िद कर रहा है। अभी ना बारिश होके हटी है तो इन्होंने वो तिरपाल वगैरह जो भी होता है वो कवर कर दिया था। सो अभी वापस से धूप निकल गई है तो ये वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखो बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है। सो अब हम वापस जा रहे हैं। कि इस व्लॉग में हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन, छोटे से छोटा जो व्यू है वो आप सबके साथ शेयर करूं। सो प्लीज़ गाइज एंड तक बने रहना, देखते हैं क्या क्या एक्सप्लोर करूंगी अभी मैं। सो स्टे ट्यून, एंड वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और जो जो मनाली अभी नहीं आया उनके लिए तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है, बिकॉज मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ें कवर कर रही हूँ। बेशक थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाए वो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक एक चीज़ पता चलना चाहिए आपको। हम आए हैं फ्लाई डाइनिंग रेस्टोरेंट में, ये आई थिंक मनाली का फर्स्ट ऐसा रेस्टोरेंट है। कैसा मुझे खुद नहीं पता, आई एम सॉरी बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। सो इसका एक्सपीरियंस मैं
अभी शेयर करूंगी आपके साथ। लेट्स सी, क्योंकि फ्लाई डाइनिंग मीन्स फ्लाई में डाइनिंग यानी कि हवा में डाइनिंग वाला सिस्टम, सभी देखते हैं वो कैसा है कैसे नहीं, बिकॉज मैं भी नहीं, मेरे को पता है। तो लेट्स सी, तो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों के लिए भी प्ले एरिया है, सो आई थिंक जंपिंग समथिंग दिस वन, आई डोंट नो क्या कहते हैं इसे, बट बच्चे इस पे बहुत खुश होते हैं। ये जो ये गेम है, वैसे ये वाला जो है आई थिंक कुछ प्रेशर वगैरह सिस्टम होगा जो कि 4 ईयर के लिए है, वैसे ये बड़े भी कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है जो इसका ये जो बेस है ये कितना प्रेशर टॉलरेट कर सकता है। सो आई थिंक ये, ओ माय गॉड, ओके, सो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सी यहाँ पे डाइनिंग है एंड ये ऊपर लाइक दिस, नाइस। सो ये थोड़ा ऊपर तक जाएगा लाइक वहाँ तक, एंड वहाँ पर जाके ये डाइनिंग सेट हो जाएगा, एंड उसके बाद यहाँ पे जो भी इनको खाना पीना है आई थिंक यहीं खाएंगे शायद, पता नहीं, अभी तो हम इसे गेम खिला रहे हैं और ये खुश है। वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, वैसे वहाँ पर पर्सन 4000 का है एंड उसमें वो काफ़ी कुछ सर्व करते हैं, सो 45 मिनट के लिए एक सिटिंग रखते हैं वो डाइनिंग की। सो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ये पूरे मनाली में फर्स्ट रेस्टोरेंट ऐसा है। बाकी अब हम आ गए हैं माल रोड पर, तो देखते हैं क्या शॉपिंग करना है हम लोगों को। कितना ज़्यादा क्राउड है, और पर यहाँ पे मौसम एकदम चेंज हो गया, गर्मी बहुत है, वेदर बहुत चेंज है, गर्मी सच्ची बहुत ज़्यादा लग रही है। वो तो अच्छा है मैंने समरी सा टॉप वेयर कर लिया, क्योंकि मुझे पता था कि कसौल और यहाँ के जो वेदर है मनाली का थोड़ा डिफरेंट होगा उसमें, सो दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा अपने हिसाब से ही वेयर किया था। सो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखना, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है कि आप लोग जैकेट्स वगैरह वेयर करो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे लाइव म्यूजिक चल रहा है, हाउ स्वीट, राजस्थानी फोक म्यूजिक। वैसे इंडिया का ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि हर कल्चर से यहाँ पर पर्सन्स हैं, हर कल्चर यहाँ पे अवेलेबल है। अभी देखिए यहाँ पर हिमाचल में हूँ एंड राजस्थानी फोक म्यूज़िक भी सुनने को मिल गया, सो ये बहुत प्यारी चीज़ है। सो और ऐसा होना भी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर देखने को मिलने चाहिए। ये सच्ची में किसी ने कहा ना कि इंडिया एक गुलदस्ता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हैं, सो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मुझे मिल रहा है। और लाइफ में एक्सप्लोर करना चाहिए चीज़ों का, तभी आप चीज़ें लर्न करते हैं। यहाँ पे ये पेंटिंग जो हैंड से पेंट करते हैं, वुडन पीस के ऊपर जो यहाँ पे बनाते हैं, वैसे तो एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी कुछ है। सब यहाँ पे समरी ड्रेसेस में घूम रहे हैं एंड बट यहाँ पे देखना जो ज़्यादा स्टॉक है वो विंटर्स का है। ये है दुर्गा माता मंदिर माल रोड, अभी हम हेयर के लिए डेडलॉक्स जो करते हैं आर्टिफिशियल वो सर्च कर रहे हैं। मतलब आर्टिफिशियल तो हर कॉस्मेटिक शॉप पे मिल जाएगी, बट मुझे आर्टिफिशियल नहीं करवाना है, मुझको थोड़ा परमानेंट सा करवाना है, सो अभी सर्च जारी। फाइनली पूरी मार्केट में ढूंढा, यहाँ पर नहीं मिला बिकॉज लाइट गई हुई थी, तो फाइनली यहाँ पर सॉफ्टी मिल गई है इस शैतान के लिए। बच्चे सच्ची बड़ा तंग करते हैं। तिब्बतन मार्केट दिखा, सो यहाँ पे लेट्स सी ये जूट बैग वगैरह पूछता हूँ कितने का है, अगर थोड़ा प्राइस मिलेगा जेन्युइन तो ठीक है, नाइस। एक्सक्यूज मी, इस हैंड बैग का क्या प्राइस है एंड दिस राउंड वन सेम प्राइस है
बहुत ज़्यादा कॉस्ट था, जूट बैग का इतना नहीं होता है नॉर्मली ऑनलाइन भी, सो 1500 वर्थ नहीं थी उसकी। नॉर्मली ये इस रेंज में मिल जाता है 800 या 1000 की रेंज में, दैट्स इट, इससे ज़्यादा तो नहीं होता। सर खा गया ये बच्चा बबल्स के लिए, ये देखो खा बबल्स करके हमारे को। ये लो बहुत खुश, इसको रेस्टोरेंट लेके गए, कुछ नहीं खाया गया था, मुझे कुछ नहीं खाना, बबल चाहिए मेरे को, ये देखो मेरा गिराना नहीं है। शॉपिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं था बिकॉज ऑलमोस्ट चंडीगढ़ में सब कुछ मिलता है जो यहाँ पे मिल रहा था, एंड कॉस्टली था बिकॉज यू नो टूरिस्ट प्लेस है तो फिर महंगा तो मिलेगा, तो जो चीज़ नॉर्मल की है तो यहाँ पे 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ का प्राइस था। एक्चुअली ये अपहिल्स है तो इनको थोड़ा दिक्कत होता है जो इसका मटीरियल होता है चीज़ों का लेके आने में, थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है, तो यही चीज़ है। तो इसलिए कॉस्टली होता है यहाँ का सामान। 700, 900, 500 का सेल भी है। ये माल रोड है, ओल्ड मनाली डिफरेंट है। ये ब्रेसलेट्स हैं, ये 200 के हैं एंड ब्लैक नहीं होंगे, है ना, ये ब्लैक नहीं होंगे ना, ओके। ये दीज आर एंकलेट्स, ये हैंड वर्क पर्स। सब कहेंगे बाई कार गए हैं और ये ऑटो राइड क्यों ले रहे हैं। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं ओल्ड मनाली एंड मोमेंट रेस्ट कर रहे हैं कार को नीचे लगा के, तो फिर वो बोल रहा है अगर ऊपर आऊँगा तो शायद मे भी ट्रैफिक हो जाएगा, इसलिए वो ऊपर नहीं आया, तो हमने ही डिसाइड किया कि हम लोग ही ऑटो लेकर चले जाते हैं। और ऑटो की कॉस्ट हमें ना 5 मेम्बर का 150 पड़ा है, तो आप ही ध्यान रखना अगर आप बार्गेन करोगे ना, बोला तो हमें 200 का, बार्गेन करोगे तो ये भी ट्राई करने वाले हैं हम। ओह माय गॉड, आई एम टू एक्साइटेड फॉर दिस। सो ये है ओल्ड मनाली। सो मेरे फोन की हो गया बैटरी डेड, आई थिंक मुझे ब्लॉग को यहीं फिनिश करना पड़ेगा। सो ऐसा रहा मेरा मनाली का जर्नी, ट्रिप कह लो। सो प्लीज़ गाइस, बहुत मेहनत लगी है व्लॉग्स को लेकर बिकॉज मैंने दिन में घूमा एंड रात को एडिट किया एंड मॉर्निंग अपलोड, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई नेट को लेके। सो प्लीज़ लाइक तो बनता है ना, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर मेरी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। सो अब हम जा रहे हैं चंडीगढ़ कुछ खा पी के, बिकॉज फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है एंड शूट करने के लिए है नहीं है, सो बिल्कुल 13% बैटरी है। सो अब देखती हूँ चंडीगढ़ जाके ही इसको एडिट करूँगी एंड आपको कल ब्लॉग मिलेगा मेरा, कल मॉर्निंग तो नहीं, आई थिंक कल इवनिंग में भी शायद अपलोड करूँ बिकॉज ट्रैवल है एंड बहुत फ़न किया मनाली में, वैसे भी फर्स्ट टाइम आई थी। ओके बाय, टेक केयर गाइस, ख्याल रखिए अपना, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।